नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। तो आज आप लोगों के बीच एक और वीडियो के साथ, तो आज का जो हमारा जर्नी स्टार्ट होने वाला है आप लोगों के बीच शेयर करने वाला हूं। तो अभी मैं निहालगढ़ रेलवे स्टेशन पे आ गया हूं। हमारी जर्नी स्टार्ट होने वाली है निहालगढ़ स्टेशन से बनारस। तो आज चलेंगे बनारस धाम, वहाँ पर घूमने के लिए। और दो दोस्त हैं, वो भी स्टेशन पर अंदर प्लेटफॉर्म पर हैं, तो वो हमारा वेट कर रहे हैं। तो चलते उनसे मिलते हैं। और स्टेशन की शुरुआत पीछे से देख सकते हैं, निहालगढ़ रेलवे स्टेशन बड़ा बदलाव हो चुका है। तो चलते हैं स्टेशन में प्लेटफॉर्म की तरफ, और फिर आपको पूरा सफ़र दिखाएंगे और पूरा बनारस का धाम दिखाएंगे। तो पार्ट बाई पार्ट वीडियो आता रहेगा, और आप लोग एंजॉय करते रहिए और धाम के दर्शन करते रहिए। तो चलते हैं निहालगढ़ स्टेशन के अंदर की तरफ। शाम का समय, बहुत ठंडा मतलब वेदर हो चुका है। पीछे एंट्री एरिया है, तो चलते हैं एंट्रेंस की तरफ। सामने निहालगढ़ का ये एंट्री एरिया है, और हम यहाँ से एंट्री करते हुए चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ। ये वेटिंग हॉल, और ये आगे अभी देखिए हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, और यहाँ से चलेंगे दूसरे साइड प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ, क्योंकि उधर ही हमारी ट्रेन आने वाली है, शटल एक्सप्रेस। तो हमारे साथी देखो सामने इंतज़ार करते हुए मिल गए, एक प्रदीप भाई हैं, दूसरा विकास, जिनका बर्थडे हमने कल सेलिब्रेशन किया था। तो अभी हम तीन लोग का हमारा ग्रुप हो गया, और ये देखो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हैं। अभी हम तीनों लोग एक साथ मिल गए हैं और बनारस की जर्नी पे चल दिए हैं। तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हैं, मिलाते हैं पहले विकास। ये हैं विकास दुबे जी, जिनका इनकाउंटर हुआ, फिर से जिंदा हो गए। और दूसरा क्या नाम, प्रदीप भाई। तो ये तीनों लोग का हमारा ग्रुप है, और आज चल रहे हैं बनारस की ओर। तो अभी हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 से दूसरे की तरफ जा रहे हैं, और दिखाएंगे पूरा सफ़र आपको बनारस का, मज़ा आए। प्लेटफॉर्म नंबर 1 की सीढ़ियों से क्रॉस करने की कोशिश करते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ चल रहे हैं। और बनारस की इस जर्नी को अच्छा बनाने के लिए हम तीन लोग, तीन भाई मिल के सफ़र पूरा करेंगे। ये देखो शाम का समय है, प्लेटफॉर्म कैसा नज़ारा है। ये प्लेटफॉर्म का एरिया, ये देखिए। तो ये देखिए कुछ इस तरह दिखाई देता है निहालगढ़ का रेलवे स्टेशन, और ये क्रॉसिंग पुल है क्रॉस करने के लिए। तो फटाफट सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए ये आ गए प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, और इसी नंबर पे हमारी ट्रेन आने वाली है, शटल एक्सप्रेस। वह समोसा वाले जा रहे हैं भाई साहब से ले लो। प्लेटफॉर्म 2 पे अभी खड़े हैं, आ गए हैं, और हम वेट कर रहे हैं शटल एक्सप्रेस का, जो बनारस के लिए स्पेशली है। और वो ट्रेन 5 किलोमीटर दूरी पे है सिंदूरवा स्टेशन के पास। शाम का सुहाना ये मौसम, रेलवे स्टेशन का नज़ारा बहुत ही अद्भुत है। ये देखिए, और देखो समोसा ले लिए हैं, निहालगढ़ का स्पेशल समोसा। तो ट्रेन आ गई है, अब हम लोग फटाफट डिब्बे में देखेंगे जगह और शिफ्ट होंगे। बड़ी रफ्तार से जा रही है, क्राउड तो है भाई, भीड़ तो रहेगी आज, अच्छी खासी भीड़ रहेगी। कौन हमका लंबा जाएगा, भीड़ भड़क्का बहुत है भैया, भीड़ भड़क्का बहुत है, इसी में देख लो जिसमें। सब आगे आ जाओ, थोड़ा और आगे। तो अभी हम लोग ट्रेन में आ गए हैं, और ऊपर की सीट पे बैठ चुके हैं। ये देखो प्रदीप भाई इधर, उधर बैग वगैरह शिफ्ट है, इधर ये विकास भाई। तीनों लोग आज के सफ़र में हम लोग ऊपर की सीट पे हैं, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। बनारस के सफ़र में बहुत सारे लोग मिले, अभी देख सकते हैं भीड़ को भी दिखाएंगे आपको। ट्रेन बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली है, बहुत सारे यात्री हैं जो आज बनारस के सफ़र पर चल रहे हैं जगदीशपुर से। और ये ट्रेन वैसे भी डेली चलती है, इसलिए भीड़ इस पर हमेशा बनी रहती है। अभी बैठ चुके हैं, ये देख सकते हैं पूरा आराम से, बढ़िया हवा चल रही है, मस्त सफ़र की तैयारी में नाश्ता पानी करते हैं। तो दोस्तों अभी अभी ट्रेन आ चुकी है बनारस जंक्शन पे, और ये देखिए सभी लोग उतर रहे हैं, और हम भी उतर गए हैं। और अभी समय हो रहा है 10:45, तो हम लोग 7:10 पे निकले थे, और 10:45 पे आ गए हैं।
और अब आगे का सफ़र स्टार्ट करेंगे। बनारस का ये जंक्शन है, आप देख सकते हैं सभी यात्री यहाँ पे उतर चुके हैं और अच्छी खासी भीड़ है। अभी ये शाम का ये पहला पहर है, 10:45। बनारस जंक्शन आप लोग देख रहे हैं अभी। तो दोस्तों अभी हम उतर चुके हैं बनारस जंक्शन पे और सफ़र हमारा पूरा हुआ। अब अभी अभी हम लोग सो के उठे हैं इसलिए थोड़ा सा नींद भी लगी होगी, साथ में देखो सब लोग अभी सो के उठे। हाँ भाई, कहाँ पहुँच गए? बनारस। बनारस आगे कहाँ जाना है? गंगा घाट। अच्छा, हाँ दुबे जी, हम तो सफर कैसा रहा? बनारस सफर तो ऐसा रहा कि ट्रेन तो में कचरा बहुत है। कचरा? अच्छा अच्छा, चलो जैसा भी है उनका कहना है। अभी हम लोग बनारस जंक्शन पहुँच चुके हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कैसे है कि यहीं रुकना है स्टेशन पे या वेटिंग हॉल में देख लेंगे, कहीं पे इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि सुबह के समय हम लोग घाट के लिए निकलेंगे और इंतज़ार कर रहे हैं। अभी चलते हैं, एग्जिट करते हैं पहले, फिर उसके बाद आगे। यहाँ दोस्तों यहाँ पे पूरा एक टीम ही नज़र आ रही है जो बोलबम की एक यात्रा चल रही है उसके लिए पूरा टीम, देखिए भगवा रंग से पूरा सजे हुए यात्री सभी लोग अभी ट्रेन से उतरे ही हैं और पूरी टीम है और भगवा रंग से सजा हुआ पूरा वस्त्र पहन के आज भोलेनाथ के इस यात्रा को पूरा करते पूरे ये जन सैलाब दिखाई दे रहा है जो बनारस जंक्शन पे है। तो अभी हम विकास भाई के साथ, प्रदीप भाई के साथ प्लेटफॉर्म नंबर 6 से एग्ज़िट करने के लिए निकल लिए हैं, बाहर चल रहे हैं और आपको दिखाया पीछे भी बोलबम की एक पूरी यात्रा थी जिसमें करीब 25 से 30 लोग थे। तो अभी हम लोग एग्ज़िट कर रहे हैं, फिर आगे दिखाते हैं आगे का भी जो भी सीन है। तो दोस्तों अभी हम एग्ज़िट करते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ चुके हैं और यहाँ से सीढ़ी पूरी भीड़ ही भीड़ नज़र आ रही है। सो फाइनली दोस्तों अभी हम बनारस जंक्शन पे हैं, आपको दिखाए पूरा बनारस का रेलवे स्टेशन जंक्शन कैसा दिखता है, क्या क्या चीज़ें हैं। और हमारा सफ़र शुरू हुआ था अभी जगदीशपुर से बनारस का, तो यहाँ तक हमारा वीडियो लंबा हो चुका है अभी बहुत, तो हम सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा लंबा होगा घाट तक का वीडियो का, काशी मंदिर का दिखाने का। तब तक के लिए अभी आपको हम इस वीडियो में समाप्त करते हैं इसको और दूसरे पार्ट की तैयारी करेंगे। तो अभी इस वीडियो में पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट में आपको दिखाएंगे बनारस का काशी घाट और जो भी बनारस धाम की सारी चीज़ें होंगी, जब मंदिर होगा उन जगह के दर्शन कराएंगे अगले पार्ट में। तो एक बार फाइनली आपको दिखा देते हैं बनारस का जो जंक्शन है कैसा दिखता है। हमारे पीछे रेलवे जंक्शन है बनारस और कुछ इस तरह लाइटिंग की गई है, देख सकते हैं कलरफुल, जो हर सेकेंड पर बदलती है इसके कलर। और पीछे मेन वो पार्ट है जो बनारस जंक्शन का है, तो कुछ ऐसा दिखता है बनारस जंक्शन। यहाँ पे पुलिस सिक्योरिटी बूथ है, यहाँ पे पुलिस चौकी है जो बनारस जंक्शन की है और ये बनारस रेलवे स्टेशन था। तो आपका अगला पार्ट आने वाला है कल, तो अभी तक का ये रहा वीडियो, आप लोग एंजॉय कीजिए और अगले पार्ट का इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।